तो अब हम आ चुके हैं सेंट्रम के बिल्कुल बीचों बीच में, और ये देखिए जुड़वा भाई खड़े हैं दोनों पीछे। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग टुडे। तो आज आपके सामने हम फिर से आ गए हैं एक और नया व्लॉग लेके। जैसे हमने लास्ट व्लॉग में बोला था कि प्री क्रिसमस सेलिब्रेशंस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारी जगह पे लाइटिंग जो है लग चुकी है, उनमें से एक फेमस एरिया है एम्स्टलफीन। एम्स्टलफीन सिटी सेंटर में आए हुए हम यहाँ पे देखने के लिए क्रिसमस लाइट्स कैसी लगी है, और साथ ही साथ कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, आज का ये खूबसूरत व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हमारे साथ में बिल्कुल भी फ्रेम में भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा ये क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो दूसरी एक और लाइट लगी है एम्स्टलफीन में, जो कि है राजीव की जैकेट, जो भी बहुत चमक रही है क्रिसमस की लाइट की तरह। आंखें फोड़ दे। अंदर आ चुके हैं हम सेंट्रम के। सेंट्रम के अंदर आते ये देखिए जबरदस्त मैस्कट लगाया था इन्होंने। और ये देखिए जुड़वा भाई खड़े हैं दोनों पीछे कमर लगा के। अब हम आ चुके हैं सेंट्रम के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पे लगा हुआ एक टेडी बियर, और ये चेंज किया है इस साल, वरना एक जाइंट रेड टेडी बियर रहता था इस बार, लेकिन इस बार ये छोटे छोटे बच्चे बच्चे लगाए हैं दो तीन। बट चेंज है, अच्छा लग रहा है फिर भी काफी। तो ये शॉपिंग सेंटर हमने क्यों चूज किया ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा। इसका एक रीजन है क्योंकि ये शॉपिंग सेंटर को अवार्ड मिला है कंसेक्यूटिवली फॉर 3 इयर्स बेस्ट शॉपिंग सेंटर। सो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन इट फॉर टुडेज व्लॉग। सो इस व्लॉग को एंजॉय करते रहिए, और हमारे जो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो क्रिसमस का सीजन है, हम दूसरे स्टोर पे देख रहे हैं हर एक पे जो क्रिसमस के डिस्काउंट्स हैं और ऑफर्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्रिसमस का गिफ्ट रेडी है, फिर मत बोलना कि गिफ्ट नहीं दिए, कितने भी सारे हैं कोई भी उठा सकते हैं। कुछ टेडी बियर में बहुत एनर्जी है वो खड़े हैं, कुछ टेडी बियर जो है थक चुके हैं तो वो यहाँ आके विराजमान है और बैठ चुके हैं। आई एम जस्ट किडिंग। जो स्नैक शॉप है अभी नई ओपन हुई है और हमने ट्राई किया है, काफ़ी अच्छे जो है इसके प्रोडक्ट हैं। नाम है इसका मैडम कोकोज। उसमें कोकोनट बोल्स मिलते हैं और कोकोनट पेस्ट्रीज जो है मिलती हैं डिफरेंट काइंड्स भी, जिसमें जिंजर है, बहुत सारे फ्लेवर हैं। और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन लगाई हुई है शॉप के जस्ट साथ में, जैसे स्लेज रहती है रेनडियर के साथ में ऐसा बनाया हुआ है, यानी स्लेज को लेके वो बच्चा जा रहा है, तो छोटे छोटे रेनडियर हैं और छोटे बच्चे उसको चला रहा है, साथ में गिफ्ट रखे हुए हैं, तो पूरा क्रिसमस का फीलिंग देने के लिए माहौल बनाया हुआ है एकदम। ये है कुक टेडी बियर जो पकाने के लिए तैयार है आपके लिए क्रिसमस की नई नई डिशेज। और ये देखिए पिंक क्रिसमस ट्री, फर्स्ट टाइम देखा मैंने, कई सारे क्रिसमस ट्रीज हैं। भाई कोड ऐसा लग रहा है बिल्कुल वो पौधा सा ही बोल रहा है ना, एकदम काफी रियल लग रहा है उसका मूवमेंट ऐसा और गाना ऐसा गा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद पौधा ही बोल रहा है सही में। ये टेडी बियर है विद ब्रूम, ब्रूम स्टिक, इनके पास ब्रूम है जिससे ये मैजिक कर सकते हैं और आपकी कोई भी विश जो है ये पूरी कर सकते हैं। तो विश पूरी करने के लिए इनको यहाँ पे लगाया गया है। आई एम जस्ट किडिंग। और बहुत सारे लोग इन फोटो पोस्ट पर जो है फोटो ले भी रहे हैं बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, कैसा चल रहा है अभी माहौल। Follow the stars.
बहुत दिन से मैं एक ब्रांड ढूंढ रही थी, कई सारे शॉप्स पे मैंने ऑनलाइन देखा कि किस पे वो अवेलेबल है, और आज व्लॉग बनाते बनाते वो मुझे मिला है चार्ली टिल्बरी विच इज़ अवेलेबल इन दिबनकॉफ, सो आई विल विजिट बट सम अदर टाइम। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने सिंटरक्लास का जो है वीडियो बनाया था, जहाँ पे सेंट आए थे, और अभी यहाँ पे एक्चुअली इस टाइम पे रिंक भी लगती है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इस बार रिंक नहीं लगने वाली है, अदरवाइज हम आपको वो दिखाते हैं, बट लाइटिंग बहुत प्यारी लगी हुई है जो आपको धीरे धीरे करके अभी राजीव भी बताएंगे। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि कितनी सुंदर जो है लाइटिंग लगी हुई है। तो ये है शुरुआत जो खाली जगह है एम्सलवीन में उसकी, ये बिल्कुल लाइब्रेरी के अपोजिट है। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये बिब्लियोथीक है जिसको लाइब्रेरी कहते हैं, उसके जस्ट साथ में पीछे है जो ये ऑल्बर्टाइन वगैरह स्टोर है, एंट्रेंस है एम्सलवीन सेंट्रम के अंदर जाने के लिए, और साथ में कैफेज हैं, कैफेज काफ़ी अच्छे हैं, और उसके जस्ट जो पीछे दिखाई दे रहा है वो क्रिसमस ट्री है, पास जाके दिखाते हैं। उसके अलावा जो साथ में पेड़ है, पेड़ों के ऊपर भी लाइट लगाई हुई है, और पीछे आपको ये एम्सलवीन सिनेमा दिखाई देगा, उसके जस्ट साथ में एक पार्किंग है, तो काफी अच्छा है ओवरऑल लाइटिंग। तो चलिए थोड़ा सा पास जाके देखते हैं। तो जो अभी आपको राजीव ने बताया था, दूर से दिखाया था क्रिसमस ट्री, उसके बिल्कुल पास हम पहुंच चुके हैं। ये एम्सलवीन सेंट्रम का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है, अदरवाइज काफ़ी छोटे छोटे जो है क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं अंदर, बेस्ट एंड ब्यूटीफुल। ये देखिए इसको देखते हैं तो मतलब ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर देखते जाइए, बहुत सारे काइंड की लाइट लगाई हुई है। सबसे अच्छी इसमें ये लगती है जो ऊपर से आती है लाइट, और ऐसा लगता है कि ऊपर से स्नो फॉल हो रहा है, ऐसा फील होता है। तो लास्ट टाइम भी ऐसी एक लाइट लगी थी तो मुझे काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये विश ट्री है, यानी इतनी सारी लाइट लगी हुई है, आप कुछ विश मांग लो तो भगवान जरूर पूरी करेगा। तो क्या मांग तो लेते हैं अभी भगवान से मांग मौका नहीं छोड़ते कुछ। और देखिए यहाँ पे खास बात है कि जो ये सेंट्रम है यानी जो खाली जगह है, इसके साथ ही में लोगों के घर भी है, तो हम देख सकते हैं लोगों ने अपनी अपनी बालकनी पे भी काफ़ी सारे लोगों ने लाइटिंग लगाई हुई है। एग्जैक्ट आप क्रिसमस ट्री के पीछे देखिए वो जो बिल्डिंग है उसमें भी है, और साथ में इस तरफ के जो घर हैं, और देखिए लाइन से यहाँ पे पेड़ों पे ऐसे लगाए हुए लाइट है, ऐसा लगता है कि पाम ट्रीज है, लेकिन ये पाम नहीं है, ये नॉर्मल ट्रीज है, बस इनके पत्ते गायब हो गए हैं और इन पे लाइट लगा दी गई है। तो शॉपिंग सेंटर से हम बाहर आ चुके हैं, और ये है सेंट्रम की स्ट्रीट जो बहुत ब्यूटीफुली जो है डेकोरेट की गई है। जैसा आप देख ही रहे होंगे सिल्वर कलर की लाइट्स हैं, गोल्डन लाइट्स हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे डल मौसम हो जाता है काफ़ी, तो क्रिसमस पे लाइट्स देख के आपका मन वैसे ही जो है काफ़ी खुश हो जाता है। पीछे जो लाइट्स आपको दिखाई दे रही है उनको हमने नया नाम दिया है, ये है गोला लाइट्स, जो बर्फ़ का गोला बचपन में खाते थे उस शेप में ये बनाया गया है, बस सिर्फ स्टिक मिसिंग है, अदरवाइज डिफरेंट कलर के जो है गोलाज अवेलेबल है। ओके तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आया क्रिसमस की लाइट है, ऐसा लगा एक अलग ही माहौल है क्रिसमस की लाइट में, और बहुत सारे गिफ्ट देखे, एक ऐसा लगता है कि अलग ही फेस्टिव सीजन चल रहा है, कुछ एक अलग ही आप फेरी टेल वाली दुनिया में हो। तो ऐसे ही क्रिसमस के ब्लॉग आते रहेंगे। होप आपने भी हमारे साथ ये वीडियो इन्जॉय किया होगा और ये लाइटिंग को इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ऑन दैट नोट सी ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। Thank you.